हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी अमेजिंग है, इसको आपको एंड तक देखना है और स्किप ज़रा सा भी नहीं करना है। स्किप करेंगे काफ़ी कुछ मिस कर देंगे, तो इसे एंड तक देखिएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कीजिएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को आपको एंड तक देखना, स्किप ज़रा सा भी नहीं करना है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। ओके दोस्तों, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी हमारी अपकमिंग वीडियोस की और हमको मोटिवेशन मिला करेगी आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ऐप बताने वाला हूँ जो अच्छी ऐप है, मुझे अच्छी लगी और आपको यूज़ करके बताना है कि ये काफ़ी अच्छी है या फिर इस ये फिर किस तरीके से आपको पसंद आती है, ये आपको यूज़ करके मुझे बताना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं वीडियो का रिव्यू कर देता हूँ, मैं वीडियो के बारे में बता देता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने इस वीडियो और ऐप के बारे में देखा, इसके यूज़ करके देखा, तो हालांकि काम तो करती है ये ऐप, लेकिन दोस्तों तरीके से काम करती है कि नहीं ये आप मुझे बताएंगे। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर जैसे कि ये ऐप देख सकते हैं, ये ऐप है, मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। आपको फेसबुक ट्रैकर के नाम से सर्च करना है और जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये एप्लीकेशन प्रोफाइल ट्रैकर के नाम से मिल जाएगी और इसे आपको इंस्टॉल करके अपने लॉगिन आईडी से ओपन कर लेना है। देन आप जैसे ही, सबसे पहले मैं आपको इसके वो दिखा देता हूँ, इसके 44,000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और 4.3 रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और 1 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। रिव्यूज़ भी इसके अच्छे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं ये आपसे आपकी लॉगिन वगैरह मांगता है। ओके दोस्तों, और लॉगिन वगैरह जैसे कि फेसबुक की लॉगिन मांगेगा और यहाँ पे ये एनालाइज़ करना स्टार्ट कर देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम की भी प्रोफाइल को यहाँ पर करता है एनालाइज़ और फिर आपको बताता है कि आपकी जो प्रोफाइल है उस पर किस किस ने व्यू दिया है। ओके दोस्तों, किस किस ने आपकी प्रोफाइल को व्यू किया है। ओके दोस्तों, आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेता है एनालाइज़ करने में और इन्फॉर्मेशन लोड करता है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन लोड हो जाएगी यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने आपकी प्रोफाइल को व्यू किया है। जिन भी लोगों ने आपकी प्रोफाइल को व्यू किया होगा ये उसके बारे में बता देगा। जैसे कि देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे तकरीबन 20 के आसपास लोग और भी बढ़ते जा रहे हैं जिन लोगों ने मेरी प्रोफाइल को व्यू किया है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये बता रहा है जैसे कि फॉलोअर नंबर 1, तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा ये उसका नाम बता रहा है, जैसे कि ये यहाँ बता रहा है शुभम पांडे जो कि मेरे एक फ्रेंड हैं उनके बारे में बता रहा है। ओके दोस्तों, तो ये तो हो सकता है माइट भी उसने मेरी प्रोफाइल को विज़िट किया हो। इसके अलावा दूसरा मेरे फ्रेंड मयूर कटारा, उनके बारे में बता रहे हैं, हो सकता है उसने भी विज़िट किया हो। तो हालांकि ये लोग तो वही हैं जो मेरी आईडी में, हो सकता है उन्होंने विज़िट किया हो। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये सिर्फ आपके फ्रेंड्स को उठा रहा हो सकता है माइट भी ये गलत भी हो इन्फॉर्मेशन। तो ये विज़िट करके आप मुझे बताएंगे कि ये कैसी है ये एप्लीकेशन। ओके दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से मुझे बता रहा है ये सारे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है माइट भी इन लोगों ने मुझे विज़िट किया हो, मेरी प्रोफाइल को व्यू किया हो। तो आप भी चेक करके बताइएगा और बताइएगा कैसी लगी ये एप्लीकेशन। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप इनको ईमेल कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको इस ऐप से रिगार्डिंग। इसके अलावा बैक आते ही आप यहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हैं इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जैसे ही देखेंगे तो इंस्टाग्राम के लिए आपको लॉगिन करना होगा और वैसे ही सिनेरियो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। बैक आ जाते हैं तो इस एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है, बताना है किस तरीके से कैसी लगी ये एप्लीकेशन। इन केस अच्छी लगी हो तो हमें बताइएगा कॉमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स और ऐप के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।